देखिए झारखंड में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। प्रशासन की सख्ती की वजह से कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। मतदान कर्मी ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम के लिए रवाना कर रहे हैं। 60% से ज्यादा मतदान के आसार हैं। और चलिए आप देखिए रांची के 15 से हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज का एक बार रुख कर लेते हैं। शाहनवाज, देखिए पूरा दिन हमने देखा, सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ और इस मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शायद यही कारण रहा कि लगभग 62% से ज्यादा जो है इस बार का मतदान रहा है तीसरे चरण की, अगर झारखंड विशेष की बात करें तो। अब बारी है मतदान कर्मियों की, जहां ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम के लिए रवाना किया जा रहा है। शाहनवाज, आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें? हाँ, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये ईवीएम लेकर के वापस आते हुए लोगों की तस्वीरें हैं। ये ईवीएम है, वीवीपैट का जो सेट होता है वो लेकर के आ रहे हैं। और ये कांके, खिजरी, हटिया, ये सारे जो विधानसभा हैं वो तमाम विधानसभा के अलग अलग बने हुए हैं काउंटर्स। जैसे अब मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, कांके का काउंटर है, बूथ नंबर 1 से 30 तक यहाँ पर डिपॉजिट लिया जाएगा ईवीएम। तो अभी कोई ईवीएम आया नहीं है, लिहाजा ये लोग सब बैठ करके इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद हटिया के बाद कांके का ये पूरा सीरीज जा रहा है, और सीरीज जाने के बाद वहाँ से हटिया शुरू हो जाता है, हटिया के बाद खिजरी शुरू हो जाता है, ईचागढ़ शुरू हो जाता है। ये पूरा आप देखें, ईचागढ़ का है वहाँ पर। मेरे सामने जो तस्वीरें आपको मिल रही हैं वो ईचागढ़ का काउंटर है। तो कुल मिला करके अब स्ट्रांग रूम में लोगों के विश्वास, और आइए आपको थोड़ा नज़दीक चल के दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो ईवीएम लेकर के आए हैं, जो लोग लेकर के आए हैं, वो एक जगह का इकट्ठा होकर के उसको सेट कर रहे हैं। डिपॉजिट होने के ठीक पहले की प्रक्रिया है ये, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि अगर सब कुछ सही जमा नहीं होगा तो आगे जाके डिस्क्रिपेंसी होगी, और डिस्क्रिपेंसी होगी तो आगे चल के विवाद होगा। लेकिन चूँकि सील करने की प्रक्रिया बहुत ही ऑथेंटिक है और पारदर्शी होती है, तो देखिए एक टीम यहाँ पर लौटी है और ये यहाँ पर बैठ करके अपना पूरा ईवीएम वगैरह को अरेंज कर रहे हैं। और अरेंज करने के साथ ही ये देखेंगे कि इनको कहाँ पर इनका डिपॉजिट सेंटर है। देखिए ये सारा सामान है जो यहाँ पर लेकर के आए हैं, और ये मास्टर एनवेलप है, मास्टर एनवेलप को यहाँ पर सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हटिया रोड 64 हटिया विधानसभा में इलेक्शन करा रहे थे, वहाँ बूथ नंबर 233 में हमने इलेक्शन कराया है और तकरीबन 50% वोट हुआ है। ठीक है, तो नज़दीक था इसलिए हम लोग जल्दी पहुँच गए यहाँ। शांतिपूर्ण? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से वोटिंग हुई है। कम प्रतिशत हुआ है? जी, शहर में लगभग ऐसे ही होता है, 55%, 50%, और थोड़ा जो गांव क्षेत्र होते हैं वहाँ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वोट देने में, और शहरों में लोग थोड़ा सा कोताही करते हैं, लेजीपन दिखाते हैं वोट देने में। ये सामान हमारा मशीन है, एक वीवीपैट मशीन है, ठीक है, और एक सीयू मशीन है जिसमें वोट का स्टोरेज रहता है। ठीक है, दो हमारा बैलेट बॉक्स है, ठीक है, जिसमें वो वोट पड़ता है, जो सारे पार्टी का वहाँ पर संख्या रहता है। 27 पार्टीज थी और एक नोटा था, कुल मिलाकर 28 वोट पार्टीज थी। तो इसी तरह से ये सारे सामान है, देखिए सब कुछ अरेंज हो गया है, और ये हटिया विधानसभा से आए हैं, तो जाहिर है ये सामने हटिया विधानसभा का डिपॉजिट सेंटर है। तो आप देखें कि यहाँ पर इन लोगों को ये चीज़ें जमा करनी है, और धीरे धीरे अब आते जा रहे हैं। अब देखिए, अगर आपको मैं दिखाऊं तो लोगों की अब तादाद यहाँ पर बढ़ रही है, ईवीएम लेके आने वाले हैं। मेहनत होती है जल्दी जल्दी मतदान कर्मियों की भी, आप रिपोर्टर्स की भी, और कई ऐसे जो कर्मी है वो आज दिन भर लगे रहे ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव जो है, ये मतदान जो है वो संपन्न हो सके। और ऐसे में अब भी ये तस्वीरें, अब भी इनका काम खत्म नहीं हुआ है। 5 बजे तक वोटिंग हुई और उसके बाद इनका काम अब शुरू हुआ, क्योंकि अब ईवीएम को सील कर स्ट्रांग रूम के लिए रवाना किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शाहनवाज। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।